क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। 13 मई को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन है, लेकिन बीते कई दिनों से बिहार में इसको लेकर सियासत हो रही है। इस बार भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई रोक नहीं सकता, यहाँ कोई धर्मगुरुओं को रोक नहीं सकता, सरकार की हिम्मत है तो रोक कर दिखाए, हम सब लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए जाएंगे। धर्म गुरु हो उनको रोक आप कैसे सकते हैं? और हम लोगों ने तो स्पष्ट कहा है कि सरकार को हिम्मत है तो रोक के दिखाए। हम लोग सभी लोग मिलकर उनके प्रवचन को सुनने के लिए सभी लोग जाएंगे। बजरंग दल को बैन करने की मांग की जा रही है बिहार में। देखिए, बजरंग बलि को आज तक किसी ने बांध पाया क्या? रावण ने प्रयास किया था अहंकार में, रावण की लंका को भस्म बजरंग बली ने किया, इसलिए बजरंग बली को कोई बांध नहीं सकता है। और जो प्रयास करेगा उन्हीं पर भगवान बजरंग बली का कुदृष्टि पड़ सकता है। वहीं गया शहर में एक पिता की हैवानियत सामने आई है, जब पत्नी से विवाद के कारण पिता ने अपने ही 4 महीने के बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। इसके बाद फिर क्या हुआ कि हमको पहले पलंग पर सब पटक दिए, सब ये सब पोछ सिंदूर उन्दूर सब पोछ दिए, चूड़ी फोड़ दिए, अब हमको पलंग पर से पटक दिए। इसके बाद में आधा घंटा हुआ, इसके बाद में बच्चा को पटक दिए। एक बच्चा था, डबल बच्चा है, युवा था। हाँ, एक लड़का। कितने बजे घटना? 10 बजे पटके हैं बच्चा। सुबह नहीं, रात में। पिताजी जो है बच्चा को पटक करके पटक दिए, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई है। बच्चा का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, प्रतिवेदन लिया जा रहा है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, दोषी को पकड़ के जेल भेजा जाएगा निश्चित रूप से। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे को मैंने बताया, दोनों बच्चे मर गए। क्या वजह रही इस घटना का? वो बताया कि आपसे झगड़ा कला होगा, उसमें वो क्लियर बता नहीं रही है, लेकिन बता रही है कि दोनों बच्चे कला से झगड़ा हुआ, पटक के भाग गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकजुटता की मुहिम में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर आज वे मुंबई पहुंचे। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। जहां उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार का स्वागत किया, वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश ने कहा कि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पार्टियां एकजुट हो, केंद्र कोई काम नहीं कर रही है, साथ मिलकर हम देश को आगे लेकर जाएंगे। स्वागत करतो है। आजच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल सुद्धा आलेला आहे आणि मला खरच एका गोष्टीचं समाधान आहे। मी वारंवार असं म्हटलं होतं की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा केवळ शिवसेनेच्या भवितव्याचा नसेल, तर तो आपल्या देशातल्या लोकशाहीच्या बद्दल, लोकशाही जिवंत राहणार की नाही याबद्दलचा असेल। आणि सर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज
वहीं मुजफ्फरपुर के राजद प्रदेश महासचिव संजय केजरीवाल ने मुजफ्फरपुर के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखित पत्र पुलिस प्रशासन और सूबे की सरकार को दिया है, साथ ही स्थानीय नगर थाना को भी आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी हत्या कराई जा सकती है, जिसका आरोप कांग्रेस के विधायक विजेंद्र चौधरी और उनके सहयोगी पर लगाया। उन्होंने पुलिस से मांग करते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि ये सब सुरक्षा गार्ड लेने के लिए किया जा रहा है। तो हम काम में लगे हुए हैं, हम इस पचरे से नगर निगम के पचरे से नहीं जाने वाले हैं। यह बात सही है कि कुछ दिन पहले कुछ लोग बोर्ड की बैठक नहीं होने देना चाहते थे, पार्षद के साथ जो घटना घटी थी उसके कारण। उसके पहले वाले बैठक में बजट नहीं पास करना चाहते थे, फिर हमने दबाव देके सब लोगों को कहा कि नहीं, बजट पास नहीं होगा तो काम रुक जाएगा, काम में दिक्कत हो जाएगी। तो वो काम हो गया। तो बहुत लोगों के यहाँ वार्ड पार्षद लोग जा नहीं रहे हैं, उनको उनका नेतागिरी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि कोई बॉडीगार्ड के लिए भी ये सब काम करता है। पहले बॉडीगार्ड था और बॉडीगार्ड काहे ले लिया गया हमको नहीं मालूम, फिर हम आग्रह करेंगे प्रशासन। कमी महसूस होती है वे उसके खिलाफ हो जाते हैं। 2022 में जिस समय 21 में जिस समय नंदू बाबू महापौर का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आदरणीय बीरेंद्र चौधरी जी के कैंडिडेट थे राकेश कुमार पिंटू जी, और हम लोग नंदू जी के लिए लगे हुए थे। उस समय भी मेरे घर की रेकी हुई, लेकिन मुझे नहीं इस बात का एहसास हुआ कि क्या सामाजिक जीवन में, लोकतांत्रिक जीवन में, राजनीतिक। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बस से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है, साथ ही कई तस्करों को भी पकड़ा है। बताया गया है कि लगभग 1500 लीटर विदेशी शराब बस से बरामद की गई। हैरानी की बात तो ये है कि गिरफ्तार तस्करों में एक सिपाही भी है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने मुख्य तस्कर की पहचान कर ली है और जाँच पड़ताल में जुट गई है। असामाजिक तत्व या बस स्टैंड का जो होते हैं अपना चुंगी वसूलने वाले, वो उनके द्वारा रोका गया है, उसको छुड़वा देने के लिए अनुरोध किया गया था कि फोर्स भेजकर छुड़वा दीजिए। तो मैं अपने थाना से पुरानी उमा शंकर सिंह को दरभंगा मोड़ भेजा, तो उमा शंकर सिंह के द्वारा देखा गया कि बस में 170-173 लीटर पेटी, मतलब 1500 लीटर के आसपास विदेशी शराब। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए प्राइम बिहार के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखे हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। नालंदा में राज्यव्यापी धरने के
तहत पारा मेडिकल छात्रों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल की ओपीडी सेवा ठप कर दी। ओपीडी सेवा बंद रहने से मरीजों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान पारा मेडिकल विद्यार्थियों ने ओपीडी परिसर में स्वास्थ्य मंत्री और बिहार सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों ने कहा कि पारा मेडिकल चिकित्सा व्यवस्था में स्वास्थ्य विभाग रीढ़ की हड्डी है। छात्रों ने आरोप लगाया कि उनका शैक्षणिक सेशन 2 वर्षों का है, जबकि 5 साल होने को आ गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नहीं पता कि उनका कोर्स कब खत्म होगा। छात्रों ने मांग की है कि सभी नामांकित पारा मेडिकल छात्र के लिए स्वीकृत इंटर्नशिप की राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए। वहीं नालंदा के बोरीसराय गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय से 11वीं की परीक्षा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में परीक्षार्थी खुलेआम मोबाइल लेकर नकल करते हुए दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, क्लासरूम में लगाए गए टीवी पर भोजपुरी गाने सुनने जा रहे हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि किस प्रकार बच्चे एक दूसरे के पास पास बैठ कर परीक्षा दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान कोई भी शिक्षक है जो क्लासरूम में मौजूद नहीं है। वहीं इस मामले को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है। इस्लामपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी को जांच का जिम्मा भी दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का पता चल सकेगा। तो आपको बता दें, यहां पे परीक्षा का बुरा हाल दिख रहा है, जहां पर लोग परीक्षा को गंभीर रूप से लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। बच्चे यहाँ मोबाइल चलाते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बच्चे टीवी पर भोजपुरी गाने सुनते हुए दिख रहे हैं परीक्षा के दौरान, साथ ही आसपास बैठकर नकल करते हुए भी दिख रहे हैं। वहीं परीक्षार्थी इस सब चीजों से नदारद दिख रहे हैं। वहीं साहिबगंज जिले में एक बार फिर भीषण आग का तांडव देखने को मिला। आपको बता दें कि जिले के सदर प्रखंड के हाजीपुर दियारा में आग लगने से करीब 4 से 5 घरों में रखा कपड़ा, अनाज और आधार कार्ड के साथ कई जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए। वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी देखने को मिली, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं इस घटना में लगभग लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार में सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पश्चिमी पंचायत के अंतर्गत मंदिर टोला महेशपुर स्थित नवसर्जित प्राथमिक विद्यालय में 3 शिक्षक के भरोसे 135 छात्र का भविष्य अटका हुआ है। साथ ही 3 शिक्षकों में से 2 शिक्षक हमेशा सरकार द्वारा दिए जा रहे कार्य में व्यस्त रहते हैं। वहीं विद्यालय के शौचालय में भी पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिससे बच्चे को बाहर से पानी भरकर लाना पड़ता है। साथ ही विद्यालय के चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी नहीं बनी हुई है, जिससे विद्यालय में हमेशा चोरी की भी आशंका बनी रहती है। अच्छा, 2 मैडम है, तो 1-2 में वो रहती है, 3-5 में हम रहते हैं, और हेड सर भी कभी कभी लेते हैं, तो उनको तो फिर ऑफिशियल काम भी है। अच्छा, 3 टीचर आप लोग हैं, उसमें देखते हैं सरकार के द्वारा कभी कभी जनगणना में भेज दिया जाता है, कभी इसमें 2 टीचर उसमें रहते हैं, तो 1 टीचर पे पूरा भार रहता है। एक ही टीचर पे 135 बच्चे का भार है। उनको फिर रसोई तरफ भी देखना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है, फिर ऑफिशियल काम एक टीचर पे, जब क्योंकि हम लोग तो बाहर चले, लेकिन अभी के नियम में है कि आप स्कूल करके तब क्षेत्र में जाइए। अच्छा, जैसे अब आपका छुट्टी होगा फिर आप क्षेत्र का। रोहतास के पाली रोड के रेलवे ओवरब्रिज पर बने पुल में दरार आने के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। रेलवे के बनाए गए इस पुल के 3 पिलरों में दरारें आ चुकी हैं, जिसके बाद रेलवे और पुलिस प्रशासन की टीम ने फिलहाल पुल पर भारी वाहनों के आगमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इससे पहले भी एक बार पुल में दरार आई थी। दूसरी बार इस पुल में आई दरार के बाद पुल के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि रेलवे के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, जल्द ही मरम्मत का कार्य क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कर आवागमन को जल्द ही सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। सूचना भी रेलवे के द्वारा आरोपी के ऊपर अभी फिलहाल भारी वाहनों को रोक लगा दिया गया है, और इसको ये लोग ठीक करने के प्रयासरत है,
और हमें उम्मीद है कि जैसा बता रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये लोग जो है टेम्पररीली कुछ इसका इंतजाम करेंगे ठीक करने के लिए। तो फिलहाल अभी भारी वाहन को रोका गया है, फिर आगे जैसा वही भागलपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरह से यूपी में केरल स्टोरी को टैक्स फ्री किया गया है, बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए। कश्मीर फाइल को जिस तरह लोगों ने देखा, केरल स्टोरी भी सच्चाई है, इसे देखना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल में फिल्म बैन करने पर बोला कि वह कोई लोकतंत्र नहीं है, तुष्टिकरण की राजनीति है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में किया गया और भी राज्यों में किया गया, बिहार में भी टैक्स फ्री किया जाए, जिस तरह कश्मीर फाइल को पूरे देश के लोगों ने देखा, उसी तरह द केरला स्टोरी को भी पूरे देश को देखना चाहिए। सच्चाई है, तो सच्चाई को देखना चाहिए ना। कश्मीर फाइल्स भी वही था और ये भी वही है, तो इसलिए इसको टैक्स फ्री करके सभी आम लोगों को देखने पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया। पश्चिम बंगाल में कोई लोकतंत्र तो है नहीं, तुष्टिकरण की राजनीति है, वहाँ तुष्टिकरण हो रहा है। बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।